हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स की टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है नेटरैक्स है। तो एक नेटरैक्स का मतलब ये हुआ कि यह एक समझ लो कि आपका एक रोड का लेंथ है, ठीक है, या एक रोड है। इसको हम लोग जो है सो इंदौर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर में बनाया जा रहा है। और इसकी लेंथ जो है आपका, इसकी लेंथ है आपका 11.3 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए कि ये व्हीकल हो गया, ठीक है, ये व्हीकल हो गया। तो ये जो है सो इस पे एक्चुअल में ये सर्कुलर बनाया जाएगा। तो ये 11.3 किलोमीटर इसका लेंथ है। और ये जो है सो बना कौन रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री बना रही है, ठीक है। और ये बन कहाँ रहा पे है? तो इंदौर में बन रहा है, इंदौर एमपी में बनाया जा रहा है। और यह जो है आपका एशिया में जो है सो फर्स्ट है ये, और वर्ल्ड में पांचवा है, फिफ्थ पोजीशन पे है, ठीक है। और इंडिया में बन रहा है, ठीक है, तो एशिया में पहला है। तो ये क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी आपका, बड़ी बड़ी जैसे कि बड़ी नहीं, मतलब कि आपका है कि एक रोड है, जैसे मान लीजिए कि ये एक रोड है, हमको जैसे बीएमडब्ल्यू हो गया, या फिर मर्सिडीज हो गया, या फिर जो है सो बाइक है जो 275 से लगभग जो है सो आपका 275 किलोमीटर पर आवर से लेकर के लगभग 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो गाड़ियां चलती हैं, अप्रोक्स स्पीड की बात करें, तो उसके लिए इसकी टेस्टिंग के लिए जो गाड़ियां अपने इंडिया में बनती थी उसको जो हम लोग विदेश में भेज देते थे, ठीक है, विदेश में भेजते थे। काहे के लिए? कि टेस्टिंग के लिए। विदेश में जाती थी तो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा था, और हमारे लिए एक ड्रॉबैक था कि हमारे पास ऐसा कोई रोड नहीं है जहाँ पे हाई स्पीड गाड़ियों को हम टेस्ट कर सकें। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एक नेटरैक्स जो है सो ये एक रोड बनाया गया है 11.3 किलोमीटर का है। कहाँ पे बनाया गया है? तो इंदौर में, मध्य प्रदेश में, और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री इसको बना रही है। और हाई इसको यूजेबिलिटी ये है कि हाई स्पीड की गाड़ियों को टेस्टिंग के लिए अब हमें विदेश नहीं भेजना पड़ेगा, मेक इन इंडिया के तहत ये इंडिया में ही टेस्ट होगी। तो उसकी लागत कॉस्ट जो है सो उस गाड़ी की घट जाएगी। लागत कॉस्ट क्या होगी उसका? घट जाएगा, ठीक है। लागत कॉस्ट जब घट जाएगा तो क्या होगा कि वो हमारे जो है सो समझ लो कि हम सस्टेनेबल वे में अपने जो है सो इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क्स है, ये जो है सो एक रोड लेंथ है जो इंदौर में बनाया जा रहा है, ठीक है। और जो है सो ये एशिया में पांचवा है, और जो है सो एशिया में पहला है, वर्ल्ड में पांचवा है, ठीक है। और जो है सो इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये सारी चीजें जो है सो हमको फॉरन से, हम फॉरन में जो हाई ट्रैक के लिए अपन भेजते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आपका पहला करंट अफेयर्स है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नेटरैक्स क्या है, एक रोड है, एक प्लेन है, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर जो है सो एक ड्रोन है। तो आपको याद रखना है कि यह एक रोड है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन कि ये है कहाँ पे? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। तीसरा चीज है कि ये इसकी लेंथ कितनी है? 11.3 किलोमीटर ऑलमोस्ट है। कौन सी इंडस्ट्रीज बना रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द हेवी इंडस्ट्री बना रही है, मिनिस्ट्री ऑफ द हेवी इंडस्ट्री बना रही है। ये एशिया में ये पहला है, पांचवा है, छठा है, तो एशिया में पहला है, याद रखने वाली बात है कि एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में पहला है, और वर्ल्ड में ये पांचवा है। तो ये आपका जो है सो एक करंट अफेयर्स है जो आपके किसी भी एग्जाम में, एसएससी से लेकर के आईएएस से लेकर के अलग अलग एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे इसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो हमारा बस यही मकसद है कि आपको मोटा मोटी चीजें समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में अगर आती है क्वेश्चन तो वो आपसे बन जाए, ठीक है। तो हम 10-15 मिनट का आपका समय लेंगे, और 10-15 मिनट में कुछ कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दूसरी आपकी जो टॉपिक है हमने लिया है आज के लिए, वो लिया है एटलस ऑफ द ग्लेशियर लेक, एटलस ऑफ ग्लेशियर लेक, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्लेशियर लेक क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्लेशियर लेक का मतलब यह हुआ कि आपका, आपको पता है कि जो आपका, अगर हम इंडिया की मैप बनाते हैं, ठीक
ठीक है, इंडिया की मैप हो गया, ये राजस्थान वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपको ग्लेशियर जो मिलेंगे, वो ग्लेशियर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ग्लेशियर जो आपको मिलेगा वह मिलेगा, ये हो गया काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जस्कर हो गया, ठीक है, फिर पंजाब धौलाधार और ये सारी सिरानिया हो गई, और ये मतलब मिडिल हिमालय और शिवालिक हो गया, ठीक है। तो ये जो श्रेणियां हैं यहाँ पे, ये बृहद हिमालय में जगह जगह पे, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, पिंडार है, तो यहाँ से जो है सो आपकी नदियां निकलती हैं, नेपाल से भी नदियां निकलती हैं, ये नदियां निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, और ये सारी नदियां जो है सो इधर बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिलते हुए गिर रही हैं, इधर से जाके आपको सोन मिल रहा है, ठीक है। ये यमुना हो गया, गंगा हो गया, कोसी हो गया, उसके बाद में जो है सो आपका गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, महानदी हो गया, इधर से ये तीस्ता आ रही है। तो ये यहाँ पे जो लेक है ना, ये ग्लेशियर में लेक बने हुए हैं। तो ग्लेशियर में लेक कैसे बनते हैं, क्या रहेगा आपका, कि ये आपका हो गया ग्लेशियर, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड द ग्लेशियर, मतलब कि बर्फ का भाग, ठीक है। अब ये क्या है कि ग्लेशियर में क्या होता है कि ऊपर से ग्लेशियर है लेकिन नीचे जो है सो कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, तो इसमें पानी भरा है, क्या भरा है इसमें, इसमें ये पानी है, ठीक है। अब ये पानी जैसे क्यों क्यों भरा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा सन की लाइट पड़ी तो ये क्या हुआ कि पिघल गया, पिघल गया तो ये एक लेक का निर्माण कर दिया। अब क्या होता है कि कभी कभार यह लेक जो है सो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन या तो अर्थक्वेक से हो सकता है, या फिर जो है सो ऊपर से कोई बड़ा सा जो है सो आपका भूस्खलन हो जाए, या फिर जो है सो आपका क्या बोलेंगे उसको, कि बर्फ का जो है सो बड़ा सा ग्लेशियर का एक टुकड़ा जो है सो नीचे आके इसमें भ्रम से गिरा, तो यह अचानक से बढ़ेगा, अचानक से ये पानी छलकेगा या ये टूट गया, तो टूट गया तो ये क्या है कि नीचे के रीजन में बहुत तेजी से, क्योंकि मान लो कि इसकी ऊंचाई लगभग जो है सो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 है, और नीचे जो है सो यहाँ पे मान लो कि जो है सो आपका मान लो कि 1,000 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई, तो जब ये नीचे आएगा ना तो नीचे तबाही ला देगा। तो इसके लिए जो है सो भारत सरकार ने जो है सो ग्लेशियर लेक का जो है सो मैपिंग कर रही है, एटलस बना रही है कि कहाँ कहाँ पे ग्लेशियर लेक है और उसको जो है सो हमको कैसे टेकल करना है। तो टोटल ग्लेशियर जो है सो आपका 4707 टोटल ग्लेशियर लेक है, ठीक है। तो और यह जो है सो आपका गंगा और यमुना के बीच में जो है सो सबसे ज्यादा है, तो इसको जो है सो भारत सरकार के जो भुवन पोर्टल है, तो भारत सरकार की जो है सो भुवन पोर्टल पे इसको अपडेट किया गया है, ताकि जो आपका जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया, जो उससे रिलेटेड स्टेट है, वो अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करें कि यहाँ यहाँ पे ग्लेशियर लेक है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे, ताकि जैसे अभी रिसेंट में जो चमोली में आया था आपका ग्लेशियर लेक आउटब्रेक हुआ और जो है सो कितने सारे लोग टनल में फंस के मर गए, ठीक है। या फिर जो है सो इस टाइप की अगर फिर से ये डिजास्टर है, एक तरह से कहा जाए तो यह एक डिजास्टर है, तो इसको रोकने के लिए जो है इसके पूरी लोकेशन के साथ में भूवन पोर्टल में दिया गया है, और वहां की गवर्नमेंट अब आसानी से इसको रिलोकेट कर पाएगी, और कभी ऐसा मतलब वॉच करते रहेगी, जब भी कभी ऐसा दिक्कत आता है तो उसको जो है सो उसको वो ठीक कर सकते हैं। और यह जो है सो मिनिस्ट्री जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलॉजी, इसमें जो है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है सो इसको टैकल कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको कि इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कौन से ग्लेशियर फूटने वाला है, क्या स्थिति है, स्पेशियल इन्फॉर्मेशन और वाटर मैनेजमेंट में हमें समझ में आएगा। और दूसरा चीज यह है कि जो स्प्रिंग है, जो झरने हैं जो इस रीजन में है, तो ये ग्लेशियर लेक अगर खत्म हो जाएगा तो झरने भी खत्म हो जाएंगे, तो इसको कंजर्वेशन का भी प्रोग्राम हमको इससे पता चल जाएगा, इस एटलस से, कि हमें कहाँ पे क्या करना है। तो आपको जनरली अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द ग्लेशियर लेक, तो आपको बताना है कि ये हिमालय रीजन के लिए है और ये भुवन पोर्टल पे है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत में इसको किया जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में कभी आए, तो आप या मेंस में कभी आप लिखना चाह रहे हैं कि डिजास्टर में हिमालयन रीजन में क्या क्या डिजास्टर है, या फिर ग्लेशियर लेक आउटब्रेक क्या है, तो आप इसमें इस चीज को ले सकते हैं, या ग्लेशियर डिजास्टर क्या है, तो इसमें आप इस चीज को जरूर ले सकते हैं, तो ये आपके लिए एक फायदेमंद चीज है, ठीक है। उसके बाद में आपका है मैंडेट प्रिंसिपल, ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये जो है सो मैंडेट प्रिंसिपल है, ठीक है, मैंडेट प्रिंसिपल है। तो ये मैंडेट प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मैंडेट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप
कोई अपराध किए सपोज है, तो आपको क्या करती है कि ये अपराधी है, इनको पुलिस पकड़ के और कस्टडी में ले जाती है, ठीक है। तो कस्टडी में ले गई, पुलिस कस्टडी में जब आप चले गए, तो पुलिस के रवैया, पुलिस का आपके प्रति क्या व्यवहार है, ठीक है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमें जो है सो आपको कैसे इंटरोगेट करना है, यह हमें जो है सो, या एवरी स्टेप जो है सो हमें कैसे चीजों को टैकल करना है, डील करना है, यह जो है सो हमें बताता है मैंडेज प्रिंसिपल, ठीक है। कि अब एक्चुअल में क्या है कि भारत सरकार जो है सो एंटी टॉर्चर जो वो है रूल है इंटरनेशनल, वो अपने यहाँ नहीं लागू किया है, अपने यहाँ नहीं लाया है। तो क्या होता है कि पुलिस ऑफिसियल जो है सो, अब मान लीजिए अपराधी हैं, तो इनको जो है सो आपको 24 घंटा के अंदर विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको जो है सो ले जाके वो करना है, मतलब कि खड़ा करना है कि भैया ये अपराधी है, हमने इसको पकड़ा है, क्योंकि पुलिस के पास पावर नहीं है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और मजिस्ट्रेट जो है सो फैसला सुनाता है, जुडिशरी, इसका मतलब कि जो जज है या जो न्यायालय है वो फैसला सुनाता है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। लेकिन क्या होता है कि पुलिस ही जुडिशरी बन जाती है, पुलिस मारती है, पीटती है और जो है सो बहुत सारी यातनाएं देती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेलियर हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर पुलिस ही अगर जज बन जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा? तो ये मैंडेज प्रिंसिपल जो है सो आपको बताता है कि पुलिस को बताता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, कैसे आपको इंटरोगेट करना है उसको। तो ये चीज जो है सो कई बार आप देखेंगे कस्टडी में ही डेथ हो गया, इतना हमारा सबके कस्टडी में ही डेथ हो गया भाई। तो ऐसा थोड़ी मान लो कि ये अपराधी है, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 21 कहता है, अंडर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का अधिकार है, ठीक है, राइट टू लाइफ का अधिकार है। तो अब राइट टू लाइफ में सारा चीज आता है, इवन है टू पानी, हवा, ये जो है सो बीमारी, हर चीज आता है कि हमको जीने का हक है। जब हमको जीने का हक है, ये हमारा संविधान हमको देता है, तो तुम कौन होते हो हमें मारने वाले? हमें सजा देने वाला तो कोर्ट है ना, ये मजिस्ट्रेट है ना। और दूसरा चीज है कि जब आपने गिरफ्तार किया तो आपको बताना पड़ेगा कि वाई यू आर अरेस्टेड मी, व्हाट इज द कॉज, कॉज क्या है, आपको बताना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि अगर बच्चा है या औरत है तो उसको कस्टडी में आप इंटरोगेट नहीं करोगे, उसको उसके घर जाके पूछ सकते हो, कस्टडी में थाने में नहीं बुला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमें हमारा कॉज क्या है, किस आधार पे आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि यह जो गिरफ्तार ये अपराधी है, इसको उसी टाइम पे एडवोकेट से बात करने का भी हक है, लेकिन अपने यहाँ एडवोकेट को थपरिया भगा देगा सर, तो ये गलत है और यही जो है सो संविधान का उल्लंघन है। जो बैठे हुए, जो उस पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं वो इस संविधान को ही नहीं मानते हैं और नॉर्मल आदमी से बोलते हैं कि तुम जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला हेमलेट नहीं लगाएगा और आपको बोलेगा आप हेमलेट लगाओ। तो ये मैंडेज प्रिंसिपल अगर आपके एग्जाम में आता है, सपोज है कभी आ गया कि व्हाट इज द मैंडेज प्रिंसिपल, तो आपको यह बोलना है कि ये एंटी टर्टर, मतलब कि टर्टर या फिर ऐसा कहें कि जो पुलिस को कस्टडी में जो यातनाएं दी जाती है उसके प्रोसीजर के बारे में बताता है, व्हाट इज द मैंडेज प्रिंसिपल, रिलेटेड टू द कस्टडियल इंटरोगेशन। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर कहीं आता है तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा एक और चीज है, आजकल न्यूज में चल रहा है कड़कनाथ, ये मुर्गा की प्रजाति है और ये जो है आपका कड़कनाथ, ठीक है। ये कड़कनाथ जो है यह एक मुर्गे की प्रजाति है, यह मतलब कि एक क्या कहा जाए तो एक चिड़िया है, और यह जो है सो इसके लिए आपका कहा एक तरह से तो इसके लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत लड़ाई हुई कि ये किसका है, किसको जीआई टैग दिया जाए। जीआई टैग का मतलब यह हुआ कि जिसको जिस स्टेट को जीआई टैग दिया जाए वही उसका ब्रांडिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा, भले पाल सकते हो लेकिन ब्रांडिंग नहीं कर सकते। तो ये जो है सो लड़ाई चली और फाइनली जो है सो जीआई टैग किसको मिला, मध्य प्रदेश को। तो याद रखना आप कि कड़कनाथ को जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट को मिला है, तो मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो अब यह एक मुर्गे की प्रजाति है जो ब्लैक कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है, इसका कलर हो गया ब्लैक। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि यह जो है सो प्रोटीन रिच होता है, इसकी मीट जो है प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। ये आपके बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट करता है, ठीक है, एंटीबॉडी क्रिएट करता है।
उसके बाद में जो है सो आपको रोक रोक मतलब इसमें यही सारी चीजें हैं कि आपका जो है सो मीट की क्वालिटी, टेक्सचर, टेस्ट और काफी अच्छा होता है और आपके हाई प्रोटीन कंटेंट रहते हैं। तो इसके कारण क्या है कि इसकी डिमांड जो है सो कोविड के टाइम में, अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के टाइम में इसकी डिमांड जो है सो काफी ज्यादा हो गया है। डिमांड इज टू हाई, ओके। तो डिमांड टू हाई हो गया है तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हमको उस साइड नहीं जाना, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कड़कनाथ कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का है, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा ये है कि जीआई टैग किसको मिला है, तो मध्य प्रदेश को मिला है। ये प्रोटीन रिच है, इसकी टेस्ट अच्छी होती है, ये काफी महंगा बिकता है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। तो एमपीपीएससी में मेंस एग्जाम में या एमपीपीएससी में जो प्रीलिम्स है उसमें आ सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो आज के लिए हम 10-15 मिनट का आपसे वादा किए थे, तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी हम कल आएंगे तो आप फिर से नया टॉपिक पे हम बात करेंगे।